हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपकी नाभि में क्या क्या बदलाव होते हैं, कहाँ कहाँ कालापन नजर आने लगता है। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ काला हुआ था मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। आते हैं, हर एक दिन आपको नया प्रॉब्लम दिखाई देता है, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ कालापन, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये नया सिम्टम, मतलब हर दिन आपको एक ना एक नया सिम्टम देखने मिलेगा ही। अच्छा, तो आपके बॉडी में 1 से लेकर 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपका कालापन 2री तिमाही से लेकर 3री तिमाही तक बहुत ज़्यादा धीरे 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 करके ये कालापन ज़्यादा बढ़ने लगा। आपकी नाभि पे लाइन बनेगी तो ये 3री तिमाही में जाके और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। पहली तिमाही में ये लाइन नहीं बनेगी, हेयर एक्यूमुलेट होने लगेगा एक जगह पे। जैसे ही 2री तिमाही में जाएंगे तो आपको लाइट लाइन फील होगी, और जैसे ही आप 3री तिमाही में जाएंगे तो ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क फील होने लगेगी। ये लाइन इसलिए बनती है कि आपके शरीर में, जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसी में एक मेलानिन नाम का हार्मोनल आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में मेलानिन के बढ़ने के कारण ये कालापन आपको नज़र आता है। आपकी नाभि काली हो जाती है, आपके पेट पर बनी ये लिनिया निग्रा ये भी काला हो जाता है बिल्कुल। ये सीधी और नाभि के नीचे भी सीधी है, नाभि के ऊपर भी सीधी है, बिल्कुल डार्क कलर की है। तो कहा जाता है कि ये बिल्कुल डार्क कलर की है, नाभि निकली हुई है, नाभि के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा काला है, ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क काला है। कहा जाता है आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ गर्दन के आसपास का एरिया आपको बहुत ज़्यादा काला रहने लगेगा, आपका मैल की परस टाइप की काली रहने लगेगी। ये सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आलसी हो गए हैं। ये मैंने खुद ने फील किया हुआ है कि मेरी गर्दन की एरिया बहुत ज़्यादा ही काली हो गई थी। ऐसे भी मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा ही काली हो गई थी। मेरे हस्बैंड बहुत टोका करते थे, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा नोटिस करते थे कि हाँ मेरी गर्दन काली हो गई है। मेरी घर वाले बोलते थे कि तुम्हारी गर्दन ऐसे डिसकलर क्यों हो गई है। मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम अच्छे से नहीं नहाती है, शायद इसलिए हो गए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से नहाती थी, साबुन वगैरह लगा के। बोलने के बाद तो और ज़्यादा मैं वहाँ पे साबुन लगाती थी, ऐसे वो जो स्क्रबर होता है उससे मैं ऐसे ऐसे पूरा साबुन लगा के पूरा वो करती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी गर्दन साफ नहीं होती थी। मैं चेहरे से ज़्यादा 3-4 बार यहाँ पे मैं साबुन लगाती थी कि मेरी साफ हो जाए, लेकिन नहीं होता था। तो ये हार्मोनल चेंजेस थे जो मुझे इस टाइम पे नहीं मालूम थे कि ये मेरे हार्मोनल चेंजेस के कारण गर्दन काली हो रही है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो बिल्कुल घबराइए मत, ये 1 से लेकर 9 मंथ तक ही है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होनी है, धीरे 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 ये फेड आउट होते होते आपका बिल्कुल नॉर्मल कलर पे आ जाता है। जैसे अभी मेरा नॉर्मल कलर है, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है तो बहुत ज़्यादा काला भी नहीं है, तो आपका भी हो जाएगा अगर आपका गर्दन काला हुआ है तो। और कहा भी है कि अगर आपका गर्दन काला है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज्यादा है। तो हाँ, मेरी भी प्रेगनेंसी में जब मेरा गर्दन काला था तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे लड़का हुआ है। आप देख लीजिए, अगर आपका भी गर्दन काला हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, धीरे 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 भूरा कलर पे आता है, फिर डार्क भूरा होता है, फिर 3री तिमाही में बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाता है उसका। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है, आसपास के एरिया में आप देखेंगे छोटा छोटा दाना हो गया है, या फिर आपका राइट साइड ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा पेन उसमें होगा, बहुत ज़्यादा इचिंग होगा ये, और हो सकता है कि येलो कलर का स्राव भी उस समय पे आने लगे आपके ब्रेस्ट के एरिया से। तो अगर आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके स्तनों से येलो कलर का स्राव हो रहा है, तो ये कहा जाता है लड़का होने का संकेत है। अक्सर लड़के के टाइम पे स्तनों का जो निप्पल है बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क काला हो जाता है, और स्तनों के आसपास के एरिया पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने होते हैं। वो कहा जाता है इसलिए होते हैं
कि मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है जब से आपके गर्भ में बच्चा पलता है, उसी टाइम से भगवान पता नहीं कैसे बनाए हैं कि जैसे ही आप बच्चा कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में मिल्क बनने का प्रक्रिया चालू हो जाता है। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।